एमपी के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने नशा मुक्ति के कार्यक्रम के दौरान जो सलाह दी है, अब वो सलाह के चलते सवालों के घेरे में आ गए हैं। मंत्री ने महिलाओं को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपने पति से घर पर शराब पीने को कहें। मंत्री का मानना है कि ऐसा करने से न केवल शराब पीने की लिमिट कम होगी, बल्कि शर्म से जो पुरुष हैं वो शराब पीना भी छोड़ देंगे। नारायण सिंह कुशवाहा का कहना था कि हमने कई उदाहरण देखे हैं जबकि पति ने ऐसा करने पर शराब छोड़ दी है। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि पतियों में बेलन का डर होता है। इसमें योगदान है घर की माता और बहनों का। माता बहनें चाहे कि मेरा पति दारू ना पिए, पहले तो उसे इस तरीके से बताएं कि आप बाजार में कहीं मत पियो, आप तो ले आओ, वो खाना खाओ मेरे सामने, साइड से भी नाला गया सामने पिया के उनकी लिमिट कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो बंद के कगार पे आ जाएगा, उसे शर्म ये आएगी कि मैं अपनी पति। उधर मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के नशा मुक्ति के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के नेता का कहना है कि घर में शराब पीने की नसीहत महिला के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देगा। कांग्रेस ने मंत्री से बयान पर माफी की मांग की है। आप नशा मुक्ति करना चाहते हैं तो इस तरह की सलाह देकर महिलाओं को आप घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यदि महिलाओं को आप ये सलाह देंगे कि घर में पुरुष आएं और बाहर से खरीदें और घर में आकर लें, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यदि घरेलू हिंसा के मामले हो रहे हैं तो वो इन्हीं कारणों से हो रहे हैं, क्योंकि नशा इसका मुख्य कारण है और आप नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। आप रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, आपको तो शराबबंदी करना चाहिए थी। तो मंत्री जी का ये जो बयान है बहुत ही अजीबोगरीब बयान है और मुझे लगता है कि उन्हें इस बयान को वापस लेना चाहिए, महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। भर्ती परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सख्त कानून लाने जा रही है, जिसमें पेपर लीक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल जेल का प्रावधान होगा। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ियां गैर जमानती होंगी और आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। सरकार ने नए कानून के परीक्षण के लिए विधि कानून को ड्राफ्ट भेजा है। प्रदेश सरकार इसी मानसून सत्र में इस कानून को लाने की तैयारी में है। उससे पहले अध्यादेश के जरिए कानून लागू करने की तैयारी है। इसका एक्ट प्रारूप बनाने का जिम्मा शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। वहीं से लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि योजना और कानून वल्लभ भवन में बैठे लोग बनाते हैं। तंज कसते हुए कहा कि नर्सिंग कॉलेज के नियम भी लोगों ने ही बनाए हैं। साथ ही सवाल किया कि क्या मंत्रियों पर कार्रवाई हुई। उमंग सिंघार ने नसीहत देते हुए कहा कि जहां से गंगा बहती है पानी वहीं से साफ करना होगा। पर लीक तो बात की चीज है कि ठीक है, उस पर 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल, इस पर स्वागत करते, लेकिन योजनाओं को नियम बनाने वाले कौन, कानून बनाने वाले कौन, जो वल्लभ भवन में बैठे जो मंत्री है जिसमें आपने भी नर्सिंग कॉलेज के नियम बनाए, क्या इन पे 1 करोड़ का जुर्माना होगा, क्या इनको 10 साल की विश्वास सारंग पे सजा होगी। सरकार भविष्य की बातें नहीं कह रही, जो घोटाले हैं जिनके कारण अवैध कॉलेज खुले जा रहे हैं, अनसुटेबल कॉलेज, वो फिर आप उन्हीं से पैसे लेके आप धंधा कर रहे हो, इतने सालों से कॉलेज चला रहे हो, तो इन पे क्या कानून ला रही है सरकार। क्या मंत्री को बर्खास्त करेगी, क्या मंत्री पे 1 करोड़ का जुर्माना करेगी, क्या मंत्री को 10 साल के लिए जेल भेजेगी। कानून बनाना एक बकवास है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जहाँ से गंगा बहती है सबसे पहले वहां पर आपको वहां का पानी। रायपुर में कांग्रेस की समीक्षा बैठक चल रही है। राजीव भवन में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हो रही है। वीरप्पा मोइली, हरीश चौधरी, सचिन पायलट, विजय जांगड़, चंदन यादव, भूपेश बघेल, शिव डहरिया, ये तमाम जो दिग्गज हैं वो उस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव में हार क्यों हुई, इन कारणों की समीक्षा हो रही है। तो वहीं कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है। मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है और मानसून सत्र में जो समय निर्धारित किया गया है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो परंपरा रही है उसके
अनुरूप है, पर्याप्त समय विधानसभा सत्र के लिए निर्धारित किया गया है। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठकें और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठिकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। छतरपुर में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा पड़ा है। पुलिस की स्पेशल टीम ने छापा मारा है। जुआ खेलते 8 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। एक कार, 6 बाइक समेत 16 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। बमेटा थाने के गंज गांव का मामला है। झाबुआ की बात करते हैं, जहां पुलिस ने 10 लाख के गायब मोबाइल लौटाए हैं। 71 मोबाइल खोजे साइबर सेल ने। अब ऑपरेशन हेलो के तहत ही मोबाइल खोजे हैं। मालिकों को मोबाइल सौंपा गया है। गायब मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। अगली खबर उज्जैन से है, जहां एक वैन आग में जल गई। खाक हो गई जलकर। गैस डालते वक्त वैन में आग लग गई। तराना बाईपास के चोपड़ा झीन का ये मामला है। उज्जैन की तस्वीरें। इस वैन में गैस भरने का काम चल रहा था, तभी वैन में आग लग गई। अगली खबर खरगोन से है, जहां अवैध रेत खनन से नाराज गांव वालों ने डंपर को रोक दिया। गांव वालों ने नर्मदा में अवैध खनन का आरोप लगाया। डंपर के चलते पहुंच मार्ग के खराब होने का आरोप लगाया गया है। गांव वालों ने अधिकारियों को बुलाने की मांग उठाई। एसडीएम के साथ ही अधिकारियों को पहले भी शिकायत की। शिकायत के बाद भी अवैध खनन जारी है। बड़वाह जनपद पंचायत के सेमरला का मामला है। पुलिया इतना बड़ा नहीं है, ग्रामीण सड़क है, पूरा उखड़ चुका है, पूरा जमीन में धस रहा है। अभी बरसात में तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम बच्चे स्कूल कहाँ से जाएंगे? महिलाओं को डिलीवरी होती है तो वहाँ गाड़ी कहाँ से आएगी? और किसान अपनी फसल कैसे बेचने जाएंगे? और कोई सुन नहीं रहा है। एसडीएम साहब को, इनको सबको दे दिया है, ज्ञापन दे दिया, पर कोई नहीं सुन रहा है। ये गाँव में विरोध इस बहाने हो रहा है कि दोनों गाँव के अंदर ठहराव प्रस्ताव हो चुका है। ठहराव प्रस्ताव को कोई मानने को तैयार नहीं है। और ग्राम सेमरला का एक एक ग्रामीण लोग सब तैयार है। ये डंपर वाले यहाँ अवैध चला रहे हैं, रोड को उखाड़ रहे हैं। पूरा रोड उखाड़ चुका है। हाँ, एसडीएम साहब को करी है, कलेक्टर साहब को कर चुका हूँ मैं, माइनिंग में भी कर चुका हूँ मैं, थाने पे भी दिया मैंने। कितना समय हो गया? ये 5 महीने से चल रहा है मेरा, अभी तक कोई कार्रवाई। जबलपुर के कटंगी में गौवंश के अवशेष मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नाराज हिंदूवादी संगठनों ने विरोध में कटंगी को बंद करवाया। बजरंग दल ने पैदल मार्च निकालकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि 2 दिन पहले गौवंश के अवशेष मिले थे। उधर जिला प्रशासन ने गौवंश का अवशेष मिलने से इनकार किया है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर हिंदूवादी संगठनों को एतराज है और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए नेशनल हाईवे को जाम करने की चेतावनी भी संगठनों की ओर से दी गई है। ने अपनी वहाँ सभी बल को लगाया हुआ है और अभी स्थिति वहाँ पर जो है वो नियंत्रण में है और इस पर संबंधित कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जैसे ही कुछ भी स्थिति स्पष्ट होगी उस पर नियमानुसार हम लोग उस रिपोर्ट में जो भी तथ्य आए थे उन तथ्यों को जनता के समक्ष, सभी पक्षों के समक्ष प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि भ्रम की जो स्थिति है वो जितना जल्दी क्लियर कर दी जाए उतना ज़्यादा बेहतर होता है। उस रिपोर्ट पर उनको कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, मैंने एसपी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि वो उस पूरे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह को शराब का शौकीन करार दिया। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह के पक्ष में जीतू पटवारी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पटवारी ने कहा कि एक तरफ धर्म से जुड़ा प्रत्याशी है, दूसरी तरफ दिन भर शराब पीकर पड़े रहने वाला। कभी दारू नहीं पी, और एक तरफ दूसरा बीजेपी जिसने बेमानी की, तुम्हारे और हमारे मत को बेच दिया और बीजेपी में जाके मिल गया और दिन भर दारू पीता है। कौन सा अच्छा किसको वोट देना चाहिए? किसको देना चाहिए? वो दारू पीने वाले को
या वहां मंदिर में बैठ के सेवा करने वाले परिवार किसको देना चाहिए। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया। ट्रक से 24 गौवंश मिले हैं। इंदौर ये ट्रक ले जाया जा रहा था। यूपी के रहने वाले दो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। मोहना थाना पुलिस ने ट्रक को पकड़ा है। दोनों ही आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। भिंड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भारी गाड़ियों के लिए चंबल पुल को खोला गया है। 8 जून 2023 से ये पुल भारी गाड़ियों के लिए बंद था। लोगों की समस्या को प्रमुखता से दिखाया गया था। शर्तों के साथ भारी गाड़ियों के प्रवेश को अनुमति दी गई है। भिंड डावा के बीच में NH 719 पर यह पुल है। MP और UP की सीमा को यह पुल जोड़ता है। ग्वालियर शहर में बदमाशों